के रुकन कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। आमिर लियाकत हुसैन का कहना है कि वो मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि स्पीकर ऑफिस के जराए उनके इस्तीफा मिलने की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन नैयर अली से। नैयर अली, बताइए रुकन कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन के इस्तीफे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिवेक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं, MA 245 से PTI की नशीत पर उन्होंने अपने मुस्ताफी होने का ऐलान किया था पेपर पर, लेकिन अब जो है वो आमिर लियाकत ने इसकी तस्दीक कर दी है। हमारी बात जो आमिर लियाकत से हुई, उनका ये कहना है कि इस्तीफा इस बार हतमी है, जो कि वापस नहीं लिया जाएगा और वे वजूहत अभी बता नहीं सकते हैं। आपको ये बताते चलिए कि आमिर लियाकत एक बार पहले भी कौमी असम्बली की रुकनी से इस्तीफा दे चुके हैं और इसके बाद वापस ले चुके हैं। आमिर लियाकत वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरे कराची के दौरान नजरअंदाज किए जाने पर नाराज थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफे का यह फैसला किया, ये बताना हमारे जराये का। लेकिन दूसरी जानब स्पीकर ऑफिस की जानब से, स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस की जानब से हमारे जराये का ये बताना है कि आमिर लियाकत का इस्तीफा अभी तक महसूल नहीं हुआ है और दूसरी जानब आमिर लियाकत ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने इस बार इस्तीफा जो है वो हतमी तौर पर दे दिया है। जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इस्तीफ़ा मुअम्मा बन गया। आमिर लियाकत हुसैन का कहना है कि वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर ऑफिस के ज़राए उनके इस्तीफ़ा मिलने की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नैयर अली, आपने तफसीलात से आगाह किया।